हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे। आज अगेन आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। और अगर आप इस बार गर्मी की छुट्टियों में बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज की हमारी रेसिपी एक सिंधी फूड है, बहुत ही फेमस सिंधी कोकी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान होती है बनाने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेने जा रहे हैं एक बर्तन में 2 कटोरी गेहूं का आटा, करीब 500 ग्राम यानी आधा किलो गेहूं का आटा हम यहाँ पर ले रहे हैं। और इस गेहूं के आटे में यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं करीब 2 चम्मच बेसन। बेसन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी में, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन ले लिया है। और साथ में ही यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं कुछ मसाले। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/2 चम्मच नमक। नमक आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम हो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1/2 चम्मच नमक चल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच ही यहाँ पर हम ले रहे हैं हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, कलर के लिए ली है हमने। और 1/4 चम्मच ही यहाँ पर हमने ली है लाल मिर्च। और 1/2 चम्मच यहाँ पे हमने लिया है अजवाइन, जिसे अच्छे से हाथ से क्रश करते हुए हमें डालना है। इसके साथ ही यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 चम्मच भर के जीरा। जीरा हमारी कोकी में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है अजवाइन की। इसके दोनों ही चीज़ हमें डालनी है इसमें। और अब यहाँ पर हम डालने जा रहे हैं 1 हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। इसमें हरी मिर्च के तीखे का ही टेस्ट होता है, आप चाहें तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। लाल मिर्च में ली हमने यहाँ पे डाली है कलर के लिए, लेकिन तीखे के लिए यहाँ पे हरी मिर्च को ही अच्छे से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने 1 छोटी प्याज ले ली है, जिसे हमने बारीक चॉप करके यहाँ पे डाला है। और साथ में ही यहाँ पे हम डालने जा रहे हैं बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया यहाँ पे हमें अच्छी क्वांटिटी में लेना है, अच्छी मात्रा में धनिया लेंगे तो उससे हमारे ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में ही यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 से 5 चम्मच देसी घी, मेल्टेड देसी घी यहाँ पे हमें यूज़ करना है। और अच्छा देसी घी होगा तो अच्छे क्रिस्पी और टेस्टी हमारे ये बनेंगे और एक लंबे समय तक हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है और इसका लगाना है हमें आटा। लेकिन उससे पहले एक बार सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें चेक कर लेना है कि ये बाइंड हो रहा है नहीं प्रॉपर तरीके से। और अगर नीड लगती है तो हम यहाँ पे 1 या 2 चम्मच घी और डाल लेंगे। तो हमने बिल्कुल अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं अच्छा एक बाइंड इसमें आ रहा है, तो हमें और घी की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका आटा लगाना है, प्रॉपर डो नहीं लगाना है। बस इतना कि सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में बाइंड हो जाए, मिक्स होके एक डो फॉर्म ले लें। लेकिन ज़्यादा मसल के या ज़्यादा टाइट हाथ से हमें डो नहीं लगाना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी और पराठे के लगाते हैं, बिल्कुल आटे को चिकना कर लेते हैं, वो यहाँ पे हमें नहीं करना है। 2 कटोरी आटे के लिए मुझे करीब 1/2 कटोरी पानी लगा है और एक प्रॉपर डो फॉर्म में हमारा एक बाइंडिंग आटे में आ गई थी। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमारा आटा लगा के तैयार कर लिया है ब्रेकफास्ट के लिए। और कहीं अगर आप घूमने जा रहे हैं, लॉन्ग वैकेशन पे जा रहे हैं, तो उस टाइम के लिए बेस्ट रेसिपी है। गर्मी में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, कई दिन तक आप इसे स्टोर करके लेके जा सकते हैं, दही अचार के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चलिए, तो हमने हमारा ये डो लगा के तैयार कर लिया है और अभी आपको चेक कराती हूँ। बिल्कुल भी चिकना डो हमने लगा के तैयार नहीं करा है, अंदर से प्रॉपर रफ है और हमारा डो एकदम से टाइट भी है। आप देख सकते हैं टाइट डो है और अंदर से भी आप देख सकते हैं कितना रफ है, ये बिल्कुल भी चिकना नहीं है। तो इसी तरह का डो हमें इसके लिए चाहिए होता है और बस इसकी लोइयां तोड़ के हमें तैयार कर लेनी है। थोड़ी मोटी ही लोइयां हम इसकी तोड़ के तैयार करेंगे, ज़्यादा पतली छोटी लोइयां हमें इसकी नहीं बनानी है, क्योंकि ये थोड़े मोटे ही बनते हैं, मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो 1/2 किलो गेहूं के आटे में हमने करीब 7 लोई तोड़ के तैयार करी हैं। अच्छे से इन्हें हाथ से रोल कर लेंगे, इन्हें अच्छे से बाइंड कर लेंगे और इस तरह से हमें इन्हें प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरह से इन्हें रोल करा है हाथ से। इस तरह से करते हुए हम हमारे सारी लोइयों को तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने गैस पर तवा रख दिया है, तवे को हमें मीडियम गर्म कर लेना है और गैस को कर लेना है स्लो फ्लेम पर। एक एक लोई को कुछ हाथ से इस तरह से हमें शेप दे देनी है, इस तरह से हमें इसे प्रेस कर लेना है और इन्हें हम सेकने वाले हैं। यानी हम सबसे पहले यहाँ पे हमारी लोइयों को सेकेंगे। अगर आपको लगता है लोई तवे पे चिपक रही है तो आप हल्के से घी का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं।
और बस हल्का सा कलर चेंज होने तक ही हमें दोनों साइड से इन्हें सेकना है और गैस को स्लो फ्लेम पर ही रखना है। एक तरफ से ये सिक चुकी है, कुछ सेकंड्स ही हमें सेकेंगे, करीब 10 से 12 सेकंड के लिए, और इसे तुरंत ही हमें पलट देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी ही वाइट गोल्डन कलर की लेयर हमें इस पर चाहिए थी, बिल्कुल लाइट दोनों ही साइड्स इस तरह की लेयर हमें चाहिए। तो दोनों ही साइड से हमें हल्का हल्का सा इसे इस तरह से सेक लेना है और उसके बाद हम इसे रोल करेंगे जैसे कि हम रोटी और पराठे को करते हैं। बस इसे हमें थोड़ा सा मोटा रखना है, रोटी पराठे की तरह पतला नहीं करना है। इसे इस तरह से सेकने से बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है। ठंड में अगर आप इसे इस तरह से सेक के बनाते हैं तो जो हमने घी इसमें डाला है अगर वो जम जाए तो वो हल्का सा लूज़ हो जाता है और इसलिए हम इसे बेल पाते हैं। और साथ में ही यहाँ पर हमें सूखे आटे की नीड भी बहुत कम पड़ती है इस तरह से सेकने के बाद, इवन मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ी। अगर आपको लगता है सूखे आटे की नीड है तो आप हल्का बहुत इस यहाँ पर सूखे आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस हमें ना ही तो ज़्यादा पतला रखा है और ना ही ओवर मोटा रखा है। बस इसे सेकेंगे तवे पे दोनों तरफ अच्छे से घी लगाते हुए। अभी हमने इसे तवे पे डाल दिया है, गैस हमारी स्लो फ्लेम पर है और एक तरफ से इसे एक बार सेक लेंगे जैसे हम रोटी पचाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और उससे पहले यहाँ पर हमें इस तरह से इस पर कट लगा देने हैं जिससे कि जब हम इसे सेकें तो अच्छे से अंदर तक ये सेक जाए, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसके अंदर आएगा उससे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं और बस इसे पलट देंगे और आप देखेंगे कि एक साइड से अच्छे से ड्राई हो गया है। बस अब इस पर यहाँ पे हम घी लगाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स घी लगाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, जितने अच्छे से घी लगाएंगे उतने ही अच्छे करारे और हमारे स्वादिष्ट कोकी बनकर आएंगी। इनका स्वाद देसी घी में ही ज़्यादा अच्छा आता है इसलिए हमने सेकने में भी देसी घी का ही यूज़ करा है। करीब 5 से 6 मिनट लग जाते हैं एक कोकी को अच्छे से सेकने में दोनों साइड से, बिल्कुल अच्छे से हमें इसे गोल्डन कर लेना है। दबा दबा के सेकेंगे और अच्छे से घी लगाते हुए हमें इसे सेकना है, अलट पलट करते हुए दोनों ही साइड से, जब तक कि अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। तो एक साइड से हमने घी लगा दिया था उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी घी लगा देना है और दूसरी साइड से भी एक बार हम पलट देंगे और बस इसी तरह से घी लगाते हुए हमें दोनों साइड से हमारे इन कॉफी को अच्छे से गोल्डन कर लेना है, अच्छा क्रिस्पी इन्हें कर लेना है। इस लेवल पे इन्हें सेकने के लिए सारा खेल घी का है कि घी आप कितने अच्छे से यूज़ करते हैं जिससे कि अंदर से बिल्कुल भी रूखे ना बने, बहुत ही अच्छे टेस्टी क्रिस्पी हमारी कॉफी बन के तैयार हो। और बस इसी तरह से हम हमारी सारी कॉफी बना के तैयार कर लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो आप इन्हें डायरेक्ट भी बिना लोई को सेके बेल सकते हैं, तब भी ईजिली बन जाते हैं, लेकिन इन्हें सेक के बेलने में बहुत आसानी होती है। प्याज का जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाता है कुछ ही सेकंड्स में अगर आप लोई को सेक लेते हैं, बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं आता है बेलते समय और बहुत ही अच्छा टेस्ट इनमें आता है। जो ट्रेडिशनल हमारे इसका बनाने का तरीका है वो इसी तरीके से है, आप एक बार जरूर बना कर देखिएगा और आप इन्हें ऐसे ही खा के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और चाहे तो आप इन्हें सब्जी दहिया अचार के साथ खा के देखिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस इसी तरह से हम करते हुए हमारी सारी कॉफी बना के तैयार कर लेंगे, इन्हें आप ईजली बना सकते हैं और ईजली स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी दूसरी कॉफी भी इसी तरह से हमने बना ली है, बस इसे इसी तरह से हमें सेक लेना है और सर्व करना है। इनकी बाहर की क्रिस्पीनेस किसी मठरी से कम नहीं आती है और अंदर बहुत सॉफ्ट घी से भरा हुआ ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारी दूसरी कॉफ़ी भी बनकर तैयार है, हम इसे सर्व करने जा रहे हैं दही के साथ। और हमने इसे सर्व करने के लिए यहाँ पर बारीक प्याज कट करके रखी है और इसे ज़रूर बनाएं, इसे एंजॉय करें, हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करें कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।